गाउन वन पीस ड्रेस फ्रॉक के साथ इजिली क्रिएट कर सकते हो। प्लस एज यूजुअल मैंने बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ किए हैं जिसे अफोर्ड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। सो या अगर आपको ये लुक अच्छा लग रहा है या आपको मेरी वाइब्स अच्छी लग रही है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो साथ में देखते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वाओ का एलोवेरा जेल यूज़ किया है एंड यहाँ पे मेरा स्किन केयर डन है। सबसे पहले आपको स्किन केयर करना होता है क्योंकि इससे स्किन अच्छे से प्रेप हो जाती है एंड स्किन केयर से भी पहले आपको सबसे पहले फेस वॉश करना है ताकि आपकी स्किन एकदम स्मूथ हो जाए। देन मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ किया। ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, इट्स नॉट ओरिजिनल बट यह बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्लस इसका जो कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोवाइड करता है लेकिन ये ऑक्सीडाइज होता है अपनी स्किन में काफ़ी ज़्यादा, तो उसके बाद ये एकदम नेचुरल फिनिश देता है। नाउ मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से फाउंडेशन को टैप टैप करके ब्लेंड कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी फाउंडेशन को स्प्रेड नहीं करती हूँ कभी भी, क्योंकि स्प्रेड करने से जो फाउंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो जाता है स्पेशली इन द समर सीजन। मैं हमेशा ब्लेंड करती हूँ। आई नो ब्लेंडिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है बट अगर आप उसे अच्छे से ब्लेंड करोगे तो आपका बेस है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो करेगा, वो बिल्कुल भी पैची नहीं लगेगा। नेक्स्ट आई अप्लाई दिस हिलेरी रोडा पेन स्टिक इन दी शेड मीडियम बीज। ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है प्लस इसकी ब्लेंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड मैंने जहाँ पे भी मेरे थोड़े से डार्क स्पॉट है या कोई भी पिगमेंटेशन है वहाँ पे मैंने इसे अप्लाई किया है। प्लस थोड़ा सा मुझे कवरेज और चाहिए था तो मैंने इसे अपने यूजुअल जहाँ पे भी मुझे कवरेज चाहिए वहाँ पे मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। देन मैंने यहाँ पे SFAIR का आई शेडो पैलेट यूज़ किया एंड इसमें से इस ब्राउन शेड को लेकर अपने फेस की ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। एंड मैं अभी ये जो वीडियो शूट कर रही हूँ वो रात के 2 बज रहे हैं क्योंकि मेरे पास अभी फ़ोन नहीं है फिलहाल, इसलिए मैं रात के 2 बजे अकेली बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आपको थोड़ी लाइटिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मैं रूम में आज वीडियो शूट कर रही हूँ, हमेशा मैं नीचे वाले रूम में वीडियो शूट करती हूँ। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मतलब लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है या नहीं लग रही है, अदरवाइज मुझे किसी और रूम में बैठ के ट्राई करना पड़ेगा कि वहाँ पे लाइटिंग कैसी है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पर्पल का कॉम्पैक्ट यूज़ किया था एंड इससे अपने बेस को अच्छे से सेट कर लिया है। मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपको एक अच्छा सा कॉम्पैक्ट चाहिए तो आप पर्पल का देख सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। देन मैंने सेम SFAIR का पैलेट यूज़ किया एंड इसमें से ब्राउन एंड ब्लैक शेड को लेके अपनी आईब्रोज फिल कर एंड देन उसे एक स्पूली से कॉम कर लेना हमेशा ताकि जो कलर है आपका पाउडर है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एंड आप कभी भी अगर अपनी मेकअप करते हो तो आप ऐसे मत सोचना कि मुझे मेकअप नहीं आता। अगर आप वीडियो भी बनाना चाहते हो और आप सोचते हो मेकअप नहीं आता तो मतलब आप नहीं बना रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी पहले मेकअप इतना नहीं आता है बट अभी भी मुझे काफ़ी कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम प्रो हो चुकी हूँ नोट बट या मैं काफ़ी कुछ मैंने अब तक सीखा है एंड मैं मुझे ऐसे लगता है कि मैं काफ़ी कुछ अब कर पाती हूँ अकेले। पहले मुझे काफ़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी अपनी बहन की या किसी की भी, मैं थोड़ा बहुत पूछती रहती थी कि हाँ कैसे है ये वो। सो या आप भी ट्राई करो, ट्राई करने से मेकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है प्लस आपका जो हैंड है वो काफ़ी अपने आप ऑटोमेटिक मतलब वर्क करने लग पड़ता है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर पैलेट यूज़ किया था जिसे मैंने अपने आईलिड पे अप्लाई किया ताकि जो कलर है वो अच्छे से और इनहेंस हो जाए। देन मैंने यहाँ पे ब्यूटी ग्लेज का कलर बोर्ड आई शेडो पैलेट यूज़ किया जिसमें से मैंने ब्लू कलर को अपने क्रीज लाइन के ऊपर अप्लाई करके लाइक आप इस तरह से शेप बना लो एंड देन उसको अप्लाई कर लो, अच्छे से ब्लेंड कर लो, काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है मेकअप करना। देन मैंने सेम स्विस ब्यूटी के पैलेट से ही कंसीलर लेके अपनी एक कट क्रीज अप्लाई किया। कट क्रीज करके मुझे मेकअप करना पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड वो काफ़ी ज़्यादा ईजी भी है, आप ट्राई करके देखना। शुरू में थोड़ा सा लगेगा बट यह बहुत ईजिली वर्क हो जाएगा। देन मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी के न्यून आई शेडो पैलेट यूज़ किए हैं जिसमें से मैंने पिंक पर्पल कलर को अपने आउटर वी पे अप्लाई किया एंड अनदर पैलेट से एक गोल्डन शेड को लेके अपने इनर लिड पे अप्लाई किया इससे एंड उसको बाद में अच्छे से ब्लेंड कर लो ताकि ये कलर अच्छे से ना स्मच हो जाए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का आईलाइनर यूज़ किया था एंड देन मैंने यहाँ पे कलर आर्ट का मश्कारा यूज़ किया, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। लाइनर है वो आपको 50 रुपीज़ में एंड जो मश्कारा है 60-70 रुपीज़ में इजिली मिल जाएगा। देन मैंने यहाँ पे NYB का काजल यूज़ किया जिसे मैंने पर्पल से बाय किया, ये भी ओनली 80 रुपीज़ का है बट यार ये बिल्कुल भी स्मच प्रूफ नहीं है, नहीं वाटर प्रूफ है बट आप इसे अच्छे से स्मच कर लेते हो तो ये बिल्कुल भी लॉक हो जाएगा अपने आईज़ में एंड ये बिल्कुल भी मतलब फैलेगा नहीं। देन पिंक कलर को लोअर लैश लाइन पर अच्छे से स्मच कर लिया है एंड सिल्वर कलर से अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लिया। हाईलाइटिंग इनर कॉर्नर को जरूर किया करो, आईज़ ओपन अप लगती है
ज़्यादा सुंदर लगती है, मैं अपनी हर वीडियोज़ में ये बात बोलती हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे नाइन कलर पैलेट यूज़ किया था, ये HR का ब्लशर पैलेट है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड इसको अच्छे से ये मतलब बहुत ज़्यादा ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है एंड कलर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देन मैंने यहाँ पे किस ब्यूटी का हाईलाइटर यूज़ किया था एंड इससे मैंने यूजुअल पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए, बट आपको सिर्फ मैंने अपनी आईब्रोज दिखाई है हाईलाइट करके। देन मैंने यहाँ पे ADS का लिप लाइनर यूज़ किया था एंड लिप लाइनर करके लिपस्टिक, अगर आपको मतलब लिपस्टिक अप्लाई नहीं करनी आती है तो लिप लाइनर करके लिपस्टिक अप्लाई किया करो, बहुत ज़्यादा ईजिली अप्लाई हो जाएगी एंड सुंदर भी लगेगी। देन यहाँ पे मैंने दो लिपस्टिक यूज़ किया, किस ब्यूटी की इन दी शेड 0 एंड हुडा ब्यूटी की 03, क्योंकि जो ब्राउन लिपस्टिक थी किस ब्यूटी की वो अच्छी नहीं लग रही थी, बट हुडा ब्यूटी की अप्लाई करने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगी।